देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस शुक्रवार को दोपहर 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया है। लॉन्चिंग के साथ 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग के बुक करने जितनी आसान हो जाएगी। हिमाचल में बर्फबारी और पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान आबोहवा में ठंडक घोल दी है। तापमान लगातार गिर रहा है और धूप में नरमी बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग भी इस साल तेज ठंड के अलग अलग अलर्ट जारी कर रहा है। नए अलर्ट के अनुसार इस सीजन में 45 दिन सबसे तेज ठंड होगी। मंदसौर में एक युवती ने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुना जिले की नाजनीन बानो ने प्यार की खातिर मजहब बदला है। युवती ने दूसरे धर्म के युवक से प्यार किया, उसने सनातनी बनकर युवक से शादी भी कर ली। बता दें, जिले में 6 माह में यह 5वां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव है। हल्की ठंड का मौसम प्रदेश के हर शहर में है, मगर बस्तर में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। अतरंगी बयानों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री जनता के बीच भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे। यहां मुसवा, चूहा और भगवा बाघ की कहानी सुनाकर उन्होंने वोट मांगा। झारखंड के धनबाद में खदान धसी है। अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ है। लगभग 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना धनबाद के निरसा की है। ईसीएल मुंगमा क्षेत्र अंतर्गत कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में यह बड़ा हादसा हुआ है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे सुबह की बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में हुए सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। वह हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, इसलिए सड़क किनारे खड़ी की गई एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरी चिट्ठी इंदौर में भेजी गई है। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस नेता को बम से उड़ा दिया जाएगा। राहुल की यात्रा 24 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। पुलिस ने चिट्ठी भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह शुक्रवार को यूके के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने यहां फ्लाइट चंडीगढ़ से पकड़ी है। उनकी विदेश जाती तस्वीरें सामने आने के बाद सिद्धू मूसेवाला के फैंस में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। बीते माह ही उन्होंने पंजाब सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम देकर विदेश बस जाने की बात कही थी, लेकिन वह जल्द ही वापस भारत लौटेंगे। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर फटकार लगाई। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को झूठ फैलाने की कोशिश बताया है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। गाजा पट्टी पर गुरुवार देर रात रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 बच्चे भी हैं। जिस इमारत में यह आग लगी है वहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी रहते हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि गैस लीक होने के कारण आग लगी है।